बिलासपुर को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए जिला प्रशासन की मुहिम रंग लाने लगी है। क्रूज के बाद शुक्रवार को 6 मीटर शिकारा भी गोविंद सागर झील में पहुंचा। 60 सीटर क्रूज के बाद 6 सीटर शिकारा गोविंद सागर झील में उतारा गया। इस दौरान शिकारा का ट्रायल भी किया गया। निरीक्षण के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक भी शिकारे में बैठकर मंडी भराड़ी पहुंचे। बिलासपुर आने वाले पर्यटक श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर अब गोविंद सागर झील में शिकारे का लुत्फ उठा सकेंगे। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में क्रूज के बाद अब शिकारे का भी पर्यटन आनंद ले सकेंगे। उपायुक्त ने सख्त तौर पर कहा है कि यहां पर पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्यटकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। ये जो हमारी शिकारा है ये दोनों मोटर से भी चलती है, चप्पू से भी चलती है। तो हम जो यहाँ टूरिस्ट आएंगे उनको हम साउथ इंडिया की भी फील करवाएंगे क्रूज में, जेटस्कीज और बाकी में, और कश्मीर की भी फील होगी जब ये शिकारा यहाँ जो है कश्मीर की तर्ज पर जो है यहाँ लाया गया है। और वैसे ऐसे ही शिकारा वहाँ चलते हैं, तो ये शिकारा जो है इंजन से भी चलता है और ये चप्पू से भी चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि टूरिस्ट कैसे उसको चलवाना चाहे। 15 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त ने कहा है कि इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के शुभारंभ के बाद इसको पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिलासपुर को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए जिला प्रशासन की मुहिम रंग लाने लगी है। क्रूज के बाद शुक्रवार को 6 मीटर शिकारा भी गोविंद सागर झील में पहुंचा। 60 सीटर क्रूज के बाद 6 सीटर शिकारा गोविंद सागर झील में उतारा गया। इस दौरान शिकारा का ट्रायल भी किया गया। निरीक्षण के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक भी शिकारे में बैठकर मंडी भराड़ी पहुंचे। बिलासपुर आने वाले पर्यटक श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर अब गोविंद सागर झील में शिकारे का लुत्फ उठा सकेंगे। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में क्रूज के बाद अब शिकारे का भी पर्यटन आनंद ले सकेंगे। उपायुक्त ने सख्त तौर पर कहा है कि यहां पर पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्यटकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। ये जो हमारी शिकारा है ये दोनों मोटर से भी चलती है, चप्पू से भी चलती है। तो हम जो यहाँ टूरिस्ट आएंगे उनको हम साउथ इंडिया की भी फील करवाएंगे क्रूज में, जेटस्कीज और बाकी में, और कश्मीर की भी फील होगी जब ये शिकारा यहाँ जो है कश्मीर की तर्ज पर जो है यहाँ लाया गया है। और वैसे ऐसे ही शिकारा वहाँ चलते हैं, तो ये शिकारा जो है इंजन से भी चलता है और ये चप्पू से भी चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि टूरिस्ट कैसे उसको चलवाना चाहे। 15 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त ने कहा है कि इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के शुभारंभ के बाद इसको पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिलासपुर को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए जिला प्रशासन की मुहिम रंग लाने लगी है। क्रूज के बाद शुक्रवार को 6 मीटर शिकारा भी गोविंद सागर झील में पहुंचा। 60 सीटर क्रूज के बाद 6 सीटर शिकारा गोविंद सागर झील में उतारा गया। इस दौरान शिकारा का ट्रायल भी किया गया। निरीक्षण के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक भी शिकारे में बैठकर मंडी भराड़ी पहुंचे। बिलासपुर आने वाले पर्यटक श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर अब गोविंद सागर झील में शिकारे का लुत्फ उठा सकेंगे। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में क्रूज के बाद अब शिकारे का भी पर्यटन आनंद ले सकेंगे। उपायुक्त ने सख्त तौर पर कहा है कि यहां पर पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्यटकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। ये जो हमारी शिकारा है ये दोनों मोटर से भी चलती है, चप्पू से भी चलती है। तो हम जो यहाँ टूरिस्ट आएंगे उनको हम साउथ इंडिया की भी फील करवाएंगे क्रूज में, जेटस्कीज और बाकी में, और कश्मीर की भी फील होगी जब ये शिकारा यहाँ जो है कश्मीर की तर्ज पर जो है यहाँ लाया गया है। और वैसे ऐसे ही शिकारा वहाँ चलते हैं, तो ये शिकारा जो है इंजन से भी चलता है और ये चप्पू से भी चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि टूरिस्ट कैसे उसको चलवाना चाहे। 15 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त ने कहा है कि इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के शुभारंभ के बाद इसको पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।